हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। सभी लोग को एक कन्फ्यूज़न है कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो आया है उसमें 3 साल का लगता है, कैसे वो मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हमको क्रोम में जाना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा बिहार पोस्ट मैट्रिक का जो दिया हुआ है लिंक, उस पर जाके। नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग तो रजिस्टर कर दिए होंगे और प्रोसेस में कुछ लोग का तो एप्लीकेशन प्रोसेस में भी है और कुछ लोग का हो भी गया है। जो बचे हुए उनके लिए हैं, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि वो कैसे 3 साल का एक बार कर सकते हैं। जो SC ST वाले हैं वो SC ST में करेंगे और जो BC EBC वाले हैं वो EBC वाले में करेंगे। जो चलिए हम लोग BC वाले में जाते हैं। तो मेरा तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो ऑलरेडी लॉगिन वाला पर जाइए। और जो नहीं किए हैं वो पहले न्यू वाला है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला, ऊपर जाइएगा उस पर करके तब आइएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट पर। तो हम लोग चलते हैं। आप पर उससे पहले चेक करना है कि आपका कॉलेज और इंस्टीट्यूशन का नाम है कि नहीं यहाँ पर। इसके लिए आपका जो एक्सपेक्टेड स्टेट है उसको पहले डालना है स्टेट में, जैसे तमिलनाडु डाल दिए हैं। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट डालना है आपको, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, इंस्टीट्यूट टाइप का कौन सा है, ग्रेजुएट है या सेकेंडरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सर्च करते हैं। जैसे इसमें आपको देख लेना पहले आपका इंस्टीट्यूट का नाम है कि नहीं। अगर नहीं है तो पहले आपको कॉलेज से संपर्क करके पहले इंस्टीट्यूशन का नाम देना पड़ेगा। उसमें होने के बाद ही आपका पैसा आएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, पहले आप लोग देख लीजिएगा कॉलेज आपका रजिस्टर है या नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। कैप्चा कोड तो डालना ही पड़ेगा, बिना कैप्चा कोड का तो कुछ हो नहीं सकता है, गवर्नमेंट रूल है। वो गलती हो गया है, 6 है वहाँ पे। हम लोग का पर्सनल डिटेल्स तो हो गया है, अप्लाई पर स्कॉलरशिप पर जाएंगे हम लोग। अब जैसे आप लोग, जैसे 2019 से हम लोग के लिए नहीं आया है, 2019 से हम लोग को करना है, तो पहले आप लोग आप थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर में, तो पहले आपको फ्रेश पर करना है, 2019 से 2020 करना है। तो बहुत लोग को कन्फ्यूज़न है कैसे 3 साल का एक बार करें, ऐसा नहीं हो सकता। पहले फ्रेश पर आपको 2019 से 2020 में करना है। उसके बाद 2019 से 2020 करने के बाद आपको पूरा फॉर्म फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट उस्ट्रिक्ट जो इंस्टीट्यूशन है पहले आप लोग देख लीजिएगा आपका कॉलेज का नाम है या फिर नहीं। उसके बाद देखिए कोर्स नाम आप क्या कर रहे हैं, BA जो कर रहे हैं, BTEC और BA जो आपका है। आप जैसे ही कॉलेज का नाम डालिएगा आपका कॉलेज का फीस जो होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। और कॉलेज का फीस शो होने लगेगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए यहाँ पर, और जो आपका कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। और कोर्स इधर आप कब से कब तक के लिए है, जैसे 1923 है कोई सीजन वैसे करना है। जैसे आप उस क्लास कौन क्लास में है, तो आपको तो पहले फर्स्ट ईयर में डालना पड़ेगा 1920 डाल रहे हैं तो, और प्रेजेंट ईयर में आपको डालना होगा फर्स्ट ईयर। अगर फ्रेश कर रहे हैं तो रिन्यू कर रहे हो तो थर्ड ईयर सेकेंड ईयर जो होगा आपको। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको हॉस्टल लेना होगा, अगर हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं तो आप उस पर नोट लगाइएगा। अगर हॉस्टल में रह रहे होंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा पैसा आएगा इसलिए। उसके बाद आगे डॉक्यूमेंट सब अपलोड करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा कि आपका आय प्रमाण पत्र 4 महीना पहले से होना चाहिए, नहीं तो बाद का होगा तो वो नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा आय प्रमाण पत्र पर। जातीय आवासीय तो चलेगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र आपका नया होना चाहिए, 2021 का होना चाहिए, फरवरी के बाद वाला होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।